हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को। तो गाइस, अभी हम लोग क्या किए हैं, क्योंकि दाल बन चुकी है, चावल बना रहे हैं। तो दाल पहले से बन चुकी है और आप लोगों को दिखाते हैं। तो आज बहुत ही ठंड भैया, बाहर तो बहुत ठंड हो रखी है। आज देख लीजिए आप लोग, बहुत ही ठंड है। इधर टंकी में पानी वानी है कि नहीं अभी, क्योंकि भाई टंकी में पानी किया रहता है ना, ख़त्म हो जाता है। फिलहाल आज तो है। और नीचे देख लो, अब आग जल रही है। सब हमारे यादव जी भी दाल बना रहे हैं, शायद दाल बना रहे हैं। और चावल ये देखिए रखी है, धुल कर रखे हुए हैं चावल। और ये इधर सब सामान रखा हुआ है, वेजिटेबल्स वगैरह सब, बर्तन भर रखा हुआ है। और बाकी जो सामान है ऊपर रखते हैं उधर, काफ़ी चीज़ चावल वगैरह। और ये व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है, यादव जी की किताब इधर रखी हुई है और पंडित जी की इधर रखी हुई है। अभय जी मतलब कुकर में सीटिया जी को ऊपर तक सब दाल निकल आई है। दाल तो नहीं निकला, पानी निकला है। इसे मसाला और पानी निकला हुआ है। तो हमारे यादव जी खाना बना रहे हैं और अभय और वो क्या बोलते हैं अक्रम घूमने गए हैं शायद, अभी बाहर अभी गए हैं। तो जस्ट अभी गए हैं, बहुत ठंड हो रखी है। हम भी दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं। आप लोग दिखाते हैं, इधर सीटी आ गई है। ओ देखिए भैया का हाल हो रखा है, सीटी आ गई पता ही नहीं चला, सारा चावल बाहर निकल आया है। फिलहाल हमारा दाल चावल बन गया है, काफ़ी चावल बाहर निकल आया था। सीटी आ रही है। चलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो हमारा दाल चावल बन गया, अभी अकरम आएंगे, उसके बाद फिर खा पी के आराम से फिर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड है। तो देख लीजिए, रोज की तरह जो ट्रेनें आती जाती रहती हैं यहाँ पर आ रही हैं, और इनसे हमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती रहती हैं, फिर भी मैनेज करना पड़ता है। तो देख लीजिए ये ट्रेन इधर आ रही है, और आप लोग देख लीजिए बाहर जो दुकान है वहाँ से हम लोग सामान लेकर आते हैं घर। तो दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत ठंड है आज। यादव जी की दाल बन गई है बढ़िया से, तड़का लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, यादव जी जो है गाना सुन रहे हैं और अभय जी जो हैं वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं शायद, है ना, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। तो अभी यादव जी भी खाना बना चुके हैं, दाल चावल बन चुका है इनका, ये भी खाने जा रहे हैं और हम भी खाने जा रहे हैं, देख लीजिए। तो इन लोगों ने बोला था पार्टी देने के लिए भाई, तो पार्टी वार्टी दे नहीं रहे हैं। न्यू ईयर पे क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं चल रहा है। पार्टी मिलेगी आप शाम को? कौन सी पार्टी भाई आप? अरे भाई लगकौवा वाली पार्टी मिलेगी, टेंशन ना लो। कौन सी पार्टी हुई आप बोल रहे थे अभी? चलो भाई, नहीं नहीं पार्टी होगी भाई, पार्टी तो होगी। चलो फिर यार, हम चल रहे हैं, खाना खाने बन गया है और यादव जी सवाल लगाने जा रहे हैं, तो हम चल रहे हैं फिर। तो देखते हैं शाम को कौन सी पार्टी दे रहे हैं। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, थाली वाली रख ली है आराम से। अब कुकर में जो है चावल वाल बन गया है, देखते हैं। फाइनली हम दोनों ने प्लान बना लिया था कि हम अम्बेडकर पार्क घूमने जाएंगे, तो हम लोग जा रहे हैं अम्बेडकर पार्क घूमने। और अक्रम और वो क्या बोलते हैं अभय, वो दोनों रूम पर ही हैं। हम फिलहाल ऑटो में बैठे हुए हैं। चलिए आगे आपको दिखाते हैं फिर। हम लोग ईको गार्डन पहुंच चुके हैं, तो फाइनली हम सबसे पहले अब टिकट लेंगे, तो टिकट हम लोग यहाँ पर लेंगे, उसके बाद फिर इंजॉय करेंगे। तो चलिए अब टिकट लेते हैं यहाँ पर। फाइनली हम लोग ईको गार्डन पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि कितना मस्त व्यू दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो आज न्यू ईयर का डे है फाइनली हम और हमारे
बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज है, देख लीजिए इसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं, इतना मस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग सबसे पहले इस साइड जाएंगे। तो गाइस हम लोग देखिए यहाँ पे इसके अंदर कितना मस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मस्त लग रहा है। तो गाइस ये खजूर का पेड़ हमें लग रहा है, इसके अंदर खजूर है भी, देख लीजिए अंदर उधर यहाँ पर, और दिखाते हैं इधर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पर पहली बार आए हुए हैं। हाल ये इतना बड़ा है और इसका जो चार्ज लगा है, जो टिकट है, वो 15 रुपया है प्रति व्यक्ति का, मतलब वन पर्सन का केवल 15 रुपया है, 15 रुपीज़। तो हम लोग आराम से घूमेंगे, अब आज न्यू ईयर है, बहुत लोग आए हुए हैं, इन्जॉय करेंगे। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, मिड में पहुँच चुके हैं और बीच में पहुँच चुके हैं। तो अभी बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेचू बने हैं, हाथी बने हैं, क्रोकोडायल बना हुआ था उधर, वहाँ पर जिराफ बने हुए थे और कंगारू बने हुए थे, बहुत ही स्टेचू बने हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो हमें तो नहीं लगता कि हम पूरा घूम पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा बना हुआ है, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक आपको दिखाएंगे, फिर लोग दिखाएंगे फिर। गार्डन में इधर जो है फैमिली लोग आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपना अपना। तो हम लोग दिखाते हैं इधर, देख लीजिए बैठे हुए हैं। तो फिलहाल हम लोग तो केवल घूम रहे हैं बस, कहीं पर बैठेंगे नहीं, घूम ही रहे हैं। और इधर देख लीजिए बहुत ज़्यादा क्राउड है, इधर सब फैमिली लोग हैं, आज न्यू ईयर में घूमने आए हैं सब लोग। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आधा पार्क जो है घूम लिया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उस साइड में, देखते हैं तो घूमते हैं फिर, इधर तो घूम ही आए हम लोग। ये ले रहे हैं नेचुरल नहीं है, ये सब लोहे का है, इसको लोहे का बनाया गया हुआ है सर। ये जो जो ट्री दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सब अभी आप ये देखिए, ये पड़ा हुआ इधर, देख दिखाते हैं आपको, इसको देख सकते हैं, यही है बट नहीं है, ये सब स्टील है, बहुत कड़क लोहा है, देखिए लोहा है, बहुत कड़क है। फ्रेंड फाइनली हम लोगों ने पूरा पार्क घूम लिया है, और उस वाले में जाना चाहते थे पर वो अलग बना हुआ है, हम दोनों ने सोचा एक में ही है, लेकिन वो एक में ही नहीं है, वो अलग है, उसका टिकट अलग पड़ेगा। कुछ लोग तो कूद कर जाते हैं पर हम नहीं जाएंगे वहाँ, रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग बस यहीं पर घूमेंगे और इन्जॉय करेंगे, उसके बाद फिर चले जाएँगे। और इन जो है फाइनली भाई हम लोग जा रहे हैं अब रूम पर, इनका जो है पैर दर्द करने लगा है, चलते हैं एक दो सेल्फी लेंगे, उसके बाद में फिर चले जाएंगे घर, जाएंगे रूम पर जाएंगे। तो काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने, हम लोग को आप लोग दिखाया, और पढ़ाई भी करनी है, तो इसलिए हम लोग अभी एक दो सेल्फी यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद में फिर जाएंगे। तो फाइनली हम लोगों ने पूरा पार्क घूम लिया, इंजॉय कर लिया है, तो हम लोग अब जा रहे हैं घर। चश्मा लगा लिए, देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको। हम लोग देखिए गार्डन घूम कर जो है अब जा रहे हैं घर, हम लोग गेट के पास आ चुके हैं, तो काफ़ी मस्तियाँ की, अब हम लोग जा रहे हैं निकलने, गेट के पास आ गए हैं, तो चलते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं फिर। फिलहाल हम लोगों को तो वापस जो है पैदल ही आना पड़ा, क्योंकि हम लोगों को ऑटो मिला नहीं, 1.5 किलोमीटर 19 मिनट लगे, और अब पैदल ही आ रहे हैं, आधे रास्ते जो आ गए हैं, अभी आधे रास्ते पर पहुंचेंगे, उसके बाद फिर थोड़ी दूर बचा है, अभी देखते हैं हम। अब ऑटो तो नहीं लेंगे क्योंकि अब आधा रास्ता तय कर चुके हैं, तो इतनी दूर के लिए क्या है ना। ये देखिए यादव जी परेशान हो गए, ऑटो नहीं मिला, पैदल ही आ रहे हैं, तो इंजॉय करते हुए आ रहे हैं, मिलते हैं फिर आप लोगों को।